मुजफ्फरनगर से पूर्व सांसद कादिर राणा ने भी समाजवादी पार्टी के दामन थाम लिया है। उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता ओम पांडे ने। के पूर्व सांसद कादिर राणा ने आज जो है समाजवादी पार्टी का दामन थामा है, क्या लगता है क्या प्रभाव पड़ेगा? समाजवादी पार्टी का जो दामन थामा है, समाजवादी पार्टी में मुझे उम्मीद है आपकी दुआ से और आपके उससे बहुत बढ़िया रहेगा। प्लस में हम लोग सरकार बना रहे हैं। क्या अंतर मानते हैं बीएसपी और सपा में? बीएसपी सपा में अपना अपना विचार है, वो तो मेरा अपना विचार है, उनका अपना विचार है। मुझे जहाँ अच्छा लगा मैंने उस विचार को अपने को कबूल किया। आप सांसद रहे हैं, उसके बाद क्या लगता है इस बार विधानसभा में किस्मत आजमाएंगे या क्या खास रहने वाला? मैं विधानसभा में भी रहा, विधान परिषद में भी रहा हूँ, पार्लियामेंट मेंबर भी रहा हूँ, विधानसभा का विधायक भी रहा हूँ और राज्यसभा का विधान परिषद का सदस्य भी रहा हूँ। बाकी नेताजी के ऊपर राष्ट्रीय माने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हाथ में है, जो फैसला वे देंगे। सीट से लोकसभा से प्रत्याशी रहे हैं और इस बार अगर लहर की बात कही जाए तो क्या देखते हैं आप? मतलब मैं कह रहा हूँ 9 की 9 सीटें हम जीतेंगे वहाँ पर। 9 की 9 सीटें हमने चाहा, ऊपर वाले ने चाहा, 9 की 9 झोली में माने अखिलेश जी राष्ट्रीय अध्यक्ष की झोली में आएगी। मुजफ्फरनगर को लेकर के बात की जाए तो जातीय समीकरण का काफी गहरा प्रभाव रहता है। अब तो सब लोग किसानों का जो इस समय माहौल चल रहा है और सब जाति आज समय माने अखिलेश जी को ही अपना नेता और अपना आधार मान। तो ये थे पूर्व सांसद कादिर राणा, एक बार फिर ये कह रहे हैं एक बार फिर समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। अमरीश के साथ मैं ओम पांडे, जनता टीवी लखनऊ। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।